हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.6 का प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज अ पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशन। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पार्ट 2 में क्या बोल रहा है, टू वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that taken by 1 man alone. ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, गिवन इंफॉर्मेशन के बेसिस पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फ्रेम करने हैं, ठीक है, और फिर उसे हमें सॉल्व करना है। चलिए, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 2 वुमेन और 3 मैन जो है एम्ब्रॉयडरी वर्क 4 डेज में कंप्लीट करते हैं, दूसरे केस में 3 वुमेन और 6 मैन सेम काम को 3 दिन में फिनिश करते हैं। तो सिंगल वुमेन कितने दिन में फिनिश करेंगे और उसी काम को 1 मैन कितने दिन में फिनिश कर पाते हैं। तो हम एज्यूम कर लेंगे लेट एन एंड एम बी द नंबर ऑफ एन एंड एम be the number of days taken by one woman and one man respectively. ठीक है, to finish the work. Finish the work. अब यहाँ पर देखिए, अगर सिंगल सिंगल वुमेन वर्क कर रही है तो एन डेज में कंप्लीट होता है वर्क। तो वुमेन का सिंगल डे का वर्क, सिंगल डे में कितना फ्रैक्शन ऑफ वर्क कंप्लीट होगा, वुमेन्स वन डेज वर्क, अगर एन डेज में वन वर्क कंप्लीट हो रहा है तो वन डे में 1/n वर्क कंप्लीट होगा। सिमिलरली मैन का भी, मैन्स वन डे वर्क, वन डेज वर्क, ये हो जाएगा 1/m। ठीक है, अब सिंगल डे का हमें मैन और वुमेन का पता हो गया, तो गिवन इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हम इक्वेशन फ्रेम कर सकते हैं। एज पर गिवन इंफॉर्मेशन, given information, pair of linear equations formed are pair of linear equations क्या क्या फॉर्म होंगे देखिए, ठीक है, 2 women and 5 men can finish the embroidery work in 4 days. ठीक है, 4 डे में पूरा वर्क होगा, तो सिंगल डे में कितना वर्क होगा, 1/4, तो 2 वुमेन मींस 2/n। ठीक है, सिंगल वुमेन का 1 डेज वर्क है 1/n, तो 1 डे में 2 वुमेन 2/n प्लस 5 मैन, तो 5/m, क्योंकि सिंगल मैन का वर्क है 1/m, तो 5 मैन 1 डे में 1/m इंटू 5 इक्वल टू 1/4 वर्क होगा, क्योंकि 4 दिन में पूरा काम हो रहा है तो 1 दिन में 1/4 वर्क। ठीक है, ये हो गया हमारा एक इक्वेशन। सेकेंड इंफॉर्मेशन आपका क्या दिया हुआ, 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश द सेम वर्क इन 3 डेज। ठीक है, तो यहाँ 3 वुमेन हो जाएगा 3/n प्लस 6/m इक्वल टू 1/3 वर्क। ठीक है, अब ये दो इक्वेशंस हमारे फॉर्म हो गए हैं, बट अगर हम देखें तो ये दोनों इक्वेशंस हमारे लीनियर इक्वेशंस नहीं हैं। तो पहले क्या करना है, इसे सॉल्व करने के लिए हमें लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करने हैं। ठीक है, उसके बाद हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ एज्यूम कर लेंगे लेट 1/n इक्वल टू एक्स एंड 1/m इक्वल टू वाई, देन इक्वेशंस 1 एंड 2, equations 1 and 2 will become, देखिए 1/n equal to x, तो 2x plus 5y
इक्वल टू 1/4। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। और नेक्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, 3x प्लस 6y इक्वल टू 1/3। ठीक है, और इसे हम अगर 3 कॉमन लेकर दोनों साइड को डिवाइड कर दें तो x प्लस 2y इक्वल टू 1/9, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए हमें इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करने हैं, तब हमें जाकर x और y की वैल्यू मिलेगी। तो अगर हम 4 से x को y के टर्म में लिख लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 4 x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/9 माइनस ट्वाइस ऑफ y। ये हो गया हमारा इक्वेशन 5। ठीक है, अब जो हमारी x की वैल्यू आई है y के टर्म में, उसे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 3, ठीक है, वी गेट twice of x, so 2 into 1/9 minus 2y plus 5y equal to 1/4। ठीक है, अब यहां से देखिए क्या हो जाएगा, 2 into 1 minus 18y by 9 plus 5y equal to 1/4। चलिए इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां से हमें मिल जाएगा क्या, 2 माइनस 36y प्लस 45y एलसीएम लेंगे तो डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू 1/4। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, और 2 प्लस 9y मीन्स, और उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 प्लस 36y इक्वल टू 9। ठीक है, तो यहां से हमें y इक्वल टू 1/36 मिल जाएगा। चलिए अब ये जो हमारा y का वैल्यू आया है, इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 5 में, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 5, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, x इक्वल टू 1/9 माइनस 2 इंटू 1/36, तो ये हो गया 1/18। ठीक है, तो x हमारा आ गया 1/18 और y जो है हमारा 1/36। ठीक है, तो अब देखिए हमें x और y तो नहीं चाहिए था, हमें m और n चाहिए थे, तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेसिंग x बाय replacing x by 1 by n and y by 1 by m। ठीक है, तो हमारा x कितना है, x equal to 1/n equal to 1/18, तो यहां से n की वैल्यू आ गई 18। सिमिलरली y जो है 1/m है और इसकी वैल्यू आई हमारी 1/36, तो इसे हमें m equal to 36 मिल गई। ठीक है, तो x इक्वल m इक्वल टू 18 और m इक्वल टू 36, हेंस नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वन वुमेन एंड वन मैन टू फिनिश द वर्क इज द वर्क इज 18 डेज, वुमेन को 18 डेज लग रहा है एंड 36 डेज मैन को लग रहा है, डेज रेस्पेक्टिवली। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 के सॉल्यूशन। बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट विजिट करें, प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।